पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन में जम्मू कश्मीर का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। ओआईसी ने कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों का जिक्र करते हुए कहा है कि कश्मीरियों को आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए। भारत ने ओआईसी के इस बयान की सख्त आलोचना करते हुए कहा है कि ओआईसी का यह बयान झूठा और गलत है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर भारत के बयान को साझा किया है। भारत की तरफ से यह बयान में कहा गया है कि बैठक में दिए गए बयान और अपनाए गए प्रस्ताव दिखाते हैं कि इस्लामिक सहयोग संगठन एक संस्था के रूप में कितना अप्रासंगिक है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इसके जोड़ तोड़ में पाकिस्तान की कितनी बड़ी भूमिका है। बयान में आगे यह भी कहा गया है कि ओआईसी में भारत का जिक्र गया है, जो झूठ और गलत बयानी पर आधारित है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का बारंबार उल्लंघन होता है। उसके कहने पर ओआईसी द्वारा भारत में अल्पसंख्यकों के साथ बर्ताव पर टिप्पणी करना मूर्खता है। जो भी देश और संगठन इस तरह के अभ्यासों में हिस्सा लेता है, उन्हें एहसास होना चाहिए कि इससे उनकी प्रतिष्ठा पर क्या असर होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कश्मीर को लेकर ओआईसी ने अपने प्रस्ताव में यह कहा था कि जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघनों की हम कड़ी निंदा करते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर ओआईसी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने एक तरफा फैसले में गैर कानूनी तरीके से जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया था। इसका लक्ष्य कश्मीर के डेमोग्राफी में बदलाव करना है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।